अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ फैसल और आप देख रहे हो फैसल एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना ब्लॉग क्रिएट किया था और थीम को हमने अपलोड करके थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन की थी। आज की वीडियो के अंदर हम अपने थीम के अंदर जाके अपने ब्लॉगर के बटन बनाएंगे और अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेआउट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे मेन मेन्यू का बटन दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। पहले मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट का टूर करा दूँ छोटा सा, कि ये AI वीडियो और ये फोटोशॉप और ये कोर्सेज जो लिखे हुए, इसके आगे भी आप देख सकते हो ये AI वीडियो फोटोशॉप जो भी कोर्सेज के अंदर। जब आप देख क्लिक करोगे देखो कि नीचे एक छोटी सी ना मेन्यू कैटेगरी बन के आ रही है। तो ये कैटेगरी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। जब आप फैसल एक्स्ट्रा पे क्लिक करते हो तो आप इसके होम पर आ जाते हो, सही है। वेबसाइट क्या करती है, इसको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देती है। तो ये बटन काम किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले चलते हैं अपने लेआउट में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और पहले मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ दोनों को। और पहले आप लोगों को मैं समझा दूँ, यहाँ से व्यू ब्लॉक करोगे, ठीक है। व्यू ब्लॉक करने के बाद आप लोग देख लो, यहाँ मैंने छोटे से ना तीन बटन ऐसे बनाए हैं एग्जाम्पल के लिए। वैसे आप लोगों के बहुत सारे आ रहे होंगे, तो आप लोगों ने अपने मेन मेन्यू के अंदर आप लोगों ने देख लेना है। मैं तीनों को डिलीट करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा इसको आपसे एडिट करूँगा और यहाँ पे आप मैं अपने बटन बनाऊँगा। सबसे पहला मेरा बटन होगा होम का, जो कि मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी तो मैं अपना होम का बटन दूसरी तरीके से डिज़ाइन करूँगा। वो वहाँ पे जैसे मैंने फैसल एक्स्ट्रा लिखा हुआ उस तरीके से लिख दूंगा मैं। यहाँ पे अभी हमारा मेजेस्टिक आ रहा है, तो होम का बटन हम बाद में कभी रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी आप लोग देख लो। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब होम का बटन लिख लेना, तो यहाँ पे जो साइट URL आएगा ना, उसके अंदर आपने अपनी मेन वेबसाइट का अपने URL डाल देना है और उसे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मूवी का बटन बना लिया है। मूवी का बटन बनाने के बाद साइट URL में अभी आप लोगों ने हैशटैग डालना है। उसकी वजह ये है कि जब आप पोस्टें करोगे तब मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बटन को लिंक करना सिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ बटन बनाना सीखना है कि बटन किस तरीके से बनेंगे आपकी वेबसाइट के, सही है। तो आप लोगों के सामने दो बटन यहाँ मैं बना चुका हूँ। अब मूवीज़ का जो मैंने बटन बनाया उसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक मूवीज़ की हमने कैटेगरी बना दी। अब इसी के अंदर हमारे पास एक सब मेन्यू की तरह यहाँ पे आप सारे बटन जो इसके अंदर ही शो करेंगे ना। तो इसके लिए आप लोगों ने एक ये नीचे माइनस का निशान लगा लेना, सही है। ये आप लोगों को बैक स्पेस के बराबर के बराबर के बटन में आप लोगों को मिल जाएगा लेफ्ट साइड पर जीरो के बाद, सही है। इस तरीके से आप लोगों ने लगाने के बाद 3D मूवीज जैसे मैंने लिख ली है, जैसे मैं लिख के यहाँ पे मैं रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं छोटा सा एरो साइन बन गया नीचे की तरफ। और जैसे यहाँ पे आ रहा हो तो 3D मूवीज नीचे लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ मेरे कैटेगरी बनाऊंगा पूरी, और जब अभी आप लोग क्लिक करोगे तो अभी कुछ भी होगा नहीं। अगर आप लोग गौर से देखो URL को, तो वहाँ पे आ गया कि हैशटैग लग जा रहा है। जो हैशटैग कौन सा लग रहा है, जो मैंने अपने बटन के अंदर ऐड किया हुई है हैशटैग वही दिखा रहा है। अब जैसे मैं 3D मूवीज लिख ली, अब यहाँ पे मैं डबल डबल माइनस निशान दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे 3D मूवी दोबारा से लिख दूंगा तो आप लोग देखना कि इसके अंदर क्या होगा। देखिए 3D कार्टून मैंने लिख लिया, अब मैं 3D मूवीज के अंदर ही एक और, तो इसका भी मैं हैशटैग जो है URL इसका जो है हैशटैग रखूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं सेव करके आप लोगों को अब दिखा देता हूँ रीलोड करके, कि अब इसके अंदर आप लोगों ने मेगा मेन्यू क्रिएट कर लिया। एक तो ये आ गया, अब 3D मूवी के अंदर एक और आ गया, ठीक है। राइट साइड पे आ गया, साइन बन गया। तो ये हम कैटेगरी बना रहे हैं पूरी, ठीक है। अब पूरी बटन की जो हमारी जितनी भी बटन की सारी लिस्टिंग है वो हम सारी ऐड कर लेंगे यहाँ। अब सारे बटन आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाने, और ये जो ऊपर के एरो के साइन है आप लोग इस बटन को ऊपर भी कर सकते हैं जिस बटन को आप लोगों ने बनाना है, और अगर बटन को नीचे करना तो आप नीचे भी कर सकते हैं। उसके बराबर में एडिट का, उसके बराबर में आपको डिलीट का बटन है। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डबल माइनस का निशान आप दे दोगे, उसके बाद जो जितने भी ऑप्शन बनाते जाओगे वो उस कार्टून के नीचे बनते जाएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सीरियल से बनानी, ऐसा ना आपका बटन आगे पीछे हो जाए। अगर आपके बटन आगे पीछे होते हैं तो आप लोगों ने अपने एरो साइन की मदद से उसे ठीक कर लेना। एक एक करके अगर बटन बनाओगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बना पाओगे। पहले आप लोग अपने नोटपैड में लिख के रख लो, जिस तरह मैंने लिख के रख लिया। अगर आप लिख के रख लोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं अब दूसरी बना रहा हूँ, जैसे कार्टून के नीचे मैंने बना दी थी। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई डुअल ऑडियो मूविंग में नाम से मैं एक दूसरा बटन बना रहा हूँ, मैं एक मेन मेन्यू के नीचे। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा डुअल ऑडियो लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे डुअल ऑडियो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद हैशटैग लिख देना है अपना आप लोगों ने, यहाँ पे जब साइट URL आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे हैश का बटन इसलिए लगाना है कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सारे बटन की सारी लिंक होंगी अभी, ठीक है। जब आप पोस्ट करोगे तभी आप लोगों की सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक होगी। अभी आपके बटन कोई भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जब आप लोग सारी चीज़ें लिंक कर लोगे तब आप लोगों के बटन लिंक करेंगे,
और लिंक करने के बाद आप लोगों के सारे बटन जो है वर्क करेंगे। अभी देखो ड्यूअल ऑडियो मूवीज मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा, लिख के यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। जैसे मैं रीलोड करूंगा तो ये मूवीज के अंदर नहीं आएगा, मूवीज के बाहर आ जाएगा। अब आप लोगों के पास अगर ऐसा होता तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरीके से माइनस का जब निशान लगाओगे इसके अंदर, तभी वो उसके अंदर ही जाएगा। लिंक करने के लिए समझ लो जितनी भी मूवीज के अंदर जो मैंने लिंक करनी है, जो हमने शुरू में कैटेगरी बनाई उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस का निशान डाल देंगे, सही है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो वो कैटेगरी के हमारे अंदर आ जाएगा। फिर इसको मैं रीलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आने के बाद हम इसके मेगा मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। ड्यूअल ऑडियो के अंदर मेगा मेन्यू कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग डबल माइनस का निशान लिख के उसके बाद जो भी आपका नाम होगा वो आप लोगों ने नाम लिख देना है बटन का, जो भी नाम आप लोगों ने देना है। जैसे कि मेरे पास कैटेगरी है पूरी एक्शन की, थ्रिलर की, साइंस फिक्शन है, जितनी भी चीज़ें वो मैं सारी आप लोग जल्दी से ऐड करके आप लोगों को दिखा दूंगा। दो बटन मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्शन के बटन मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं एक्शन के बटन को मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, आप लोग इसी तरह पहले लिख लेना, जो भी आप लोगों के बटन होंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। एक्शन लिख लेना यहाँ पे, यहाँ पे सबका हैश, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर लेना, फिर दूसरा बटन इसी तरीके से बना लेना, डबल माइनस का निशान, और उसके बाद जो भी आपका बटन का नेम है वो नेम आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एडवेंचर दे रहा हूँ। उसके बाद एडवेंचर यहाँ पे देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे हैश लगा देना और यहाँ पे डबल माइनस का निशान लगा देना और इसे सेव कर देना। जैसे आप इसे सेव करोगे आप लोगों के सामने इस तरीके से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी सारी विजेट, और यहाँ पे आप लोगों ने इसको रीलोड कर लेना। रीलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मूवी पे क्लिक करना, फिर से एक इसके अंदर मेगा मेन्यू बन चुका है। अब ये आप लोगों की सारी कैटेगरी है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी जितने भी बटन है वो सारे ऐड कर लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने जितनी कैटेगरी थी वो सारी मैंने ऐड कर दी, लेकिन वीडियो की थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी। बाकी चीज़ें मैंने जितनी थी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझाई है कि आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ इस वेबसाइट के जितने भी बटन हैं आप सुकून से बना सकते हो। फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे DM कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड पे आकर आप लोग मेरे को स्क्रीन शेयर करके अपनी प्रॉब्लम दिखा सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो इंशाल्लाह किसी चीज़ से भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल फ्री में और यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग अपनी ब्लॉग को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन कर लोगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाहर की टॉपिक कवर करेंगे। बाकी वॉइस ओवर आप लोगों को पता है कि मुझे इतना अच्छा वॉइस ओवर नहीं आता है, बाकी जैसे भी था मैंने कर लिया। वीडियो एडिटिंग तो थोड़ी बहुत मेरे को आती है, वॉइस ओवर में थोड़ी सी परेशानी है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। एक अच्छा माइक में ले आऊँगा तो उस चीज़ से भी इंशाल्लाह परेशानी हल हो जाएगी। अभी इसी वॉइस ओवर से काम चला हो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।